वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा नाम अमनदीप कौर है, मेरी उम्र 13 साल है ते मैं छोटा कल्लूकारा शहीद मेमोरियल हाई स्कूल दी विद्यार्थन अज तुहाडे सामने एक साखी पेश करन जा रही हां जिसका नाम है गुरमत अनुसार सच्चा सौदा की है। आखदे हन कि गुरु नानक देव जी नूं संसार का विवाह विच पाउण लई उहनां दे पिता मेहता कालू जी ने उहनां नूं 20 रुपए दित्ते ते आख्या जाओ कोई खरा सौदा करो। गुरु जी सौदा करन गए तां रस्ते विच चहरकाने पिंडों बाहर कुछ अखौती साधु कई दिनों तो भुखे पाने बैठे वेखे। गुरु नानक देव जी ने उन्हां अखौती साधुआं नूं समझाया कि घर बार ते गृहस्थी आश्रम नूं त्याग के ते जीवन दियां लोड़ां लई फिर गृहस्थी ने निफल हो के एवें अंग ना कमावो। गुरु नानक देव जी ने उन्हां नूं उपदेश कीता कि आलस रोग नूं त्याग उद्यमी ते परोपकारी दा जीवन जीओ। जिस तरह तुसीं सच नूं प्राप्त साधु होवोगे। अखौती आलसी रोगी ते कई दिनों तो भुखे पाने बैठे साधुआं नूं सोझी आई ते उन्हां ने गुरु जी कोलों सच लिया। गुरु जी ने सच दिता ते साधुआं ने सच लिया। सच दा वपार होया। जिथे ये घटना होई उथे गुरद्वारा सच्चा सौदा साहिब स्थापित है क्योंकि साधु कई दिनों तो भुखे पाने बैठे सन। परोपकारी गुरु नानक देव जी ने पिता जी वालों दिते 20 रुपए उन्हां नूं लंगर छकाउण ते खर्च कर दिते ते जदों घर वापिस बगैर किसी वस्तु दे आए तां पिता जी दी नाराजगी सहनी पई। सच्चा सौदा जो कीता सी ध्यान विच रखण वाली गल यह है कि बिना सच दे उपदेश नूं देण ते मन्नण दे किसे भुखे पाने आलस दे मारे रोगी नूं रोटी खवाउणी ते उसदी आलसी अवस्था विच वाधा करना है पाप है, सच्चा सौदा नहीं। इस किरिया नूं ही सच्चा सौदा आख्या जांदा है। सच विशेषण है, संज्ञा सच तो सच उसनूं आखदे हन जो नित होवे। नित केवल दे केवल सत्य रूप नूं करतार है जिसनूं गुरु नानक साहिबन ने जप जी विच आर सच जुगार सच आख्या है। सौदा तुर्की भाषा दा इक लफ्ज है जिसनूं संज्ञा आख्या जांदा है जिसका मतलब हुंदा है लैण देण योग्य वस्तु जिसका असीं व्यापार करिए। गुरु नानक देव जी दे अनुसार सच इक सौदा है। गुरु नानक देव जी ने अपनी सारी हयाती इसका ही वंश करन विच जोर दिता है। प्यारे बच्चियों इस साखी तो सानू यह सिक्ख्या मिलती है कि सानू कदे भी अपना कार बार नहीं त्यागना चाहिए। जो इंसान अपना कार बार त्यागदा वह अंधा ते जो किसी चीज़ की उदम ना करे